अबे यार, अब्बा को ना मेरी बीवी ने बताया था। कहा था ना मैंने, और तुझे भी क्या जरूरत है बीवी को हर बात बताने की। बेटा तेरी शादी होने दे, फिर पता लगेगा तुझे। वो नहीं होना कभी, पता है मुझे। तो ये बीवियां बड़ी अजीब चीज होती हैं। सोए हुए शोर को उठा के पूछती हैं, ख्वाब में क्यों मुस्कुरा रहा है भाई? पता कौन है ख्वाब में? बस रहने दे बेटा, रहने दे। एक बार किसी पे दिल आ जाए ना, तो दिल करता है जो आंखों में समा जाए वो घर पे भी आ जाए। मैं कह रहा हूं ना, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। और तुझे यकीन नहीं है तो शर्त लगा ले मेरे से। लगी शर्त? एक महीने तक देख ले, मेरे दिल में कोई समा गया आ गया तो मैं तुझे सबसे बढ़िया होटल में सबसे बढ़िया खाना खिलाऊं। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर इस महीने का कमरे का किराया माफ। हाँ हाँ, लगी शर्त। चल मजाक तो हो गया, ये बता लोन कितना है? यार वो मैंने किसी से पैसे लेकर मार्केट में ओवरलॉक और कांच की मशीनें लगवाई थी। अब तुझसे पैसे लेकर उसका कर्ज उतारूंगा। यार आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है मेरे, इतनी जल्दी मैं पैसे नहीं उतार सकता। वो कोई बात नहीं, अम्मा पापा के मरने के बाद अब सौतेले बहन भाइयों ने मेरा घर तक ले लिया, तो तूने ही साथ दिया था ना मेरा। यार वो वक्त कुछ और था, उस वक्त सारे फैसले अब्बा किया करते थे। अब अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर है यार। ये सही है भाई, मतलब खुद तू बेटा बन गया और मुझे पराया कर दी। अच्छा ना यार, तू बता तेरे पास कितने पैसे हैं? ठहर, ये ले, खुद ही गिन ले भाई। तूने अपनी दुकान में सामान डलवाने के लिए पैसे नहीं रखे? उसका अल्लाह वारिस, हो जाएगा।